स्वागत है मूवी कार्ड बॉक्स में। अगर आपने कभी टूथ फेरी की कहानियां सुनी होंगी तो आपके दिमाग में भी छोटी छोटी प्यारी परियां आई होंगी जो कि दांत के बदले सिक्का रख के चली जाती हैं। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आज की वीडियो देखने के बाद कि आपकी ये सोच बिल्कुल बदल जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिल्म की शुरुआत में हमें 19वीं सदी का समय दिखाया जाता है, जहां एक नौकरानी को उसके मालिक ने ब्लैकवुड मैनर के तहखाने में बुलाया था। वहां वह तार से टकराकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और फिर मिस्टर ब्लैकवुड ने उसके दांत तोड़ दिए और कहा कि उसे अपने बच्चे को फिर से देखने के लिए ऐसा करने की जरूरत है। फिर ब्लैकवुड ने नौकरानी के दांतों को इकट्ठा किया और चिमनी की ओर चला गया, जहां उसने कुछ जीवों से उन दांतों के बदले अपने बेटे को वापस करने के लिए कहा, लेकिन उन जीवों ने इनकार कर दिया और ब्लैकवुड को नीचे अपनी सुरंग में ले गए। इसके बाद सीन बदलता है और हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम को, जहां सैली नाम की लड़की एलएसए हवाई अड्डे पर आती है, जहां उसका स्वागत उसके पिता एलेक्स करते हैं। फिर एलेक्स सैली को अपनी लवर से मिलाते हैं जो थोड़ा नर्वस होती है। इनका नाम होता है किम, जो उसे एक टेडी बियर देती है। उसके बाद ये सभी रोड आइलैंड में अपने घर आते हैं। यहाँ एलेक्स और किम सैली को देखते हैं क्योंकि वे अपनी माँ को फोन करने से पहले अपनी दवा लेती है। इसके बाद जब वे ब्लैकवुड मैनर पहुंच जाते हैं तो सैली घर की मरम्मत करने वाले एक आदमी मिस्टर हैरिस से मिलती है। फिर सैली तुरंत अंदर ब्लैकवुड मैनर घूमने के लिए जाती है और एलेक्स फोन पर अपने सहयोगियों से बात करने के लिए ऊपर जाता है। इसके बाद लाइब्रेरी के अंदर किम सैली को बताती है कि जानवरों की सभी पेंटिंग्स और फ्रेजेस मैनर के पिछले मालिक इमर्सन ब्लैकवुड द्वारा बनाए गए थे। जब किम सैली से बात कर रही थी तभी सैली को फर्श पर उसका रेवन क्रेस्ट मिलता है, लेकिन किम उसे यह कहते हुए कि उसकी दादी ने उसे दिया था उससे वो मांगती है, लेकिन सैली ने शांति से कहा कि ये चीज उसकी माँ ने उसके पिता को दिया था। तभी एलेक्स सैली को अपना कमरा दिखाने के लिए ले जाता है। यहाँ पर सैली एलेक्स से पूछती है कि वह उनके साथ कितने समय तक रहेगी। एलेक्स ने बताया कि वह उनके साथ तब तक रहेगी जब तक कि वह मैनर को ठीक करके बेच नहीं देते, जिससे सैली दुखी हो जाती है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और रोते हुए एलेक्स से पूछती है कि क्या वह किम से शादी करेंगे। तभी वहाँ किम आती है और उनकी बातचीत सुनती है। अफसोस की बात है कि सैली किम की बेइज्जती करती है और कहती है कि वह बूढ़ी हो गई है और आप उससे शादी करना चाहते हो, और जब वह बाथरूम से बाहर आती है तो वह अपने पिता की बात सुनने से इनकार कर देती है। उस रात किम को एलेक्स से पता चलता है कि सैली डिप्रेशन की दवा ले रही है। फिर वे काम के बारे में बात करते हैं। इससे पहले कि किम एलेक्स को वह बताए जो सैली ने उसे बताया था, एलेक्स उसे भरोसा दिलाता है कि बच्चे हमेशा ऐसी बातें करते हैं, लेकिन किम खुद को एक बुरी सौतेली माँ की तरह महसूस करती है। फिर भी एलेक्स किम की बातों को सीरियसली नहीं लेता और बस उसे चिढ़ाता है, इस बात से अनजान कि सैली उन्हें झरोके से सुन सकती है। अगले दिन सैली बागीचे में खेल रही होती है, वहाँ उसे झाड़ियों के पीछे छिपी एक खिड़की का पता चलता है, लेकिन हैरिस उसे उठाता है और उसे बताता है कि वह जगह सुरक्षित नहीं है। फिर हैरिस ने एलेक्स और किम को बताया कि उनके जाने पर यहाँ क्या हुआ था। हालांकि सैली ने जोर देकर कहा कि उसने एक तहखाना देखा था, इसलिए एलेक्स ने झाड़ियों को काट दिया और देखा कि उसकी बेटी किस बारे में बात कर रही है। कुछ देर बाद ही हैरिस के मना करने के बावजूद एलेक्स ने मेन हॉल की खोखली दीवार को तोड़ दिया। फिर किम ने घर की पुरानी चाबियों का इस्तेमाल करके दरवाजा खोला और एक बार जब वे तहखाने में पहुंच गए तो वे चारों ओर देखते हैं। इस बीच हैरिस बताता है कि उनका यहाँ रहना सही नहीं है और एलेक्स को याद दिलाता है कि ये सैली के लिए भी सुरक्षित नहीं है। उसी समय सैली ने बोल्ट वाली चिमनी को देखा, लेकिन जब वह किसी को अपना नाम फुसफुसाते हुए सुनती है तो वह डर जाती है। इसके बाद वह एलेक्स और किम के साथ चली जाती है और चिमनी के जीव इस बारे में बात करते हैं कि क्या वह वापस आएगी या नहीं। हालांकि उनमें से एक को पूरा यकीन है कि सैली वापस आएगी और कहता है कि वह हमेशा ऐसे करते हैं। अपने कमरे में सैली ने अपने पिता के कुछ उपकरण चुराने और बेसमेंट में जाने की तैयारी करने से पहले चिमनी की एक तस्वीर खींची, लेकिन किम सैली को देखती है और उसे अपने साथ बैग करने के लिए कहती है, लेकिन सैली लापरवाही से काम करती है और मना कर देती है। फिर किम पूछती है कि उसके बैग में क्या है और जब सैली उसे बताती है कि यह सिर्फ उसकी गुड़िया है तो किम उसे जाने देती है। हालांकि जैसे ही किम चली जाती है सैली एक टॉर्च निकालती है और सीधे बेसमेंट में आ जाती है। एक बार जब वह तहखाने में पहुंचती है तो सैली रिंच के साथ चिमनी खोलने की कोशिश करती है और आवाजें सुनती है जो उसे आजाद करने के लिए कहते हैं। सैली एक पतली मेटल की छड़ी को जाली में डालती है और जब सैली पूछती है कि वह कौन है, लेकिन वे जीव केवल छड़ी लेते हैं। फिर सैली चिमनी खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एलेक्स आता है और कहता है कि यह रात के खाने का समय है और सैली अपने पिता से कहती है कि उसने चिमनी से आवाजें सुनी और उन्हें भी सुनने के लिए कहा, लेकिन एलेक्स को कुछ सुनाई नहीं देता बल्कि उन जीवों ने लगभग उसके कान में छुरा मार ही दिया था। हालांकि जैसे ही सैली एलेक्स के साथ निकलती है वे जीव आखिरी बोल्ट को खोलकर चिमनी को खोलने की तैयारी करते हैं। इसके बाद सैली नौकरानी के एक दांत को उठा लेती है और गलती से दूसरों को गिरा देती है और जब उसके पिता उसे बुलाते हैं तो वह ऊपर की ओर भागती है, लेकिन चिमनी के जीव अब आजाद हो गए हैं और अब वे जो चाहे कर सकते हैं। रात के खाने के दौरान सैली चावल खाने से मना कर देती है क्योंकि उसकी माँ ने उसे ग्लूटेन खाने से मना किया था, तो किम उसे सेब के कुछ पीस देती है, लेकिन एलेक्स अपनी बेटी से कहता है कि वह या तो मेज पर खाना खा सकती है या बिस्तर पर जा सकती है। इससे नाराज होकर सैली अपने कमरे में चले जाती है, जबकि एलेक्स और किम बहस करते हैं कि उन्हें सैली के साथ क्या करना चाहिए। उस रात सैली अपने पिता की बात सुनती है जब वह उसकी माँ जोएन से फोन पर बात करते हैं और उसे पता चलता है कि उसकी माँ ही चाहती है कि वह एलेक्स और किम के साथ रहे। फिर सैली अपने कमरे में वापस आती है और अपने टेडी बियर को झिलते हुए पाती है। इस बात से अनजान कि वे जीव इसे कंट्रोल कर रहे हैं, हैरान सैली खिलौने को छूने की कोशिश करती है, लेकिन जीव उसे डराते हैं। जैसे ही सैली टेडी बियर को उठाती है वे जीव तेजी से छिप जाते हैं और उसे पता चलता है कि रोशनी से उन्हें परेशानी होती है। फिर भी वे सैली से बात करते हैं और उसे यह कहते हुए लाइट बंद करने के लिए कहते हैं कि वे उसके
उसके दोस्त है और उनके पास उसकी गुड़िया है। जिज्ञासु सैली उन जीवों को ढूंढती है जो बिस्तर के नीचे छुपे हुए होते हैं, इस बात से अनजान कि वे कितने खतरनाक है। जब सैली बिस्तर के नीचे देख रही होती है तभी एलेक्स अचानक कमरे में आता है, इसलिए सैली अपने पिता से कहती है कि वह बस अपनी गुड़िया ढूंढ रही है। लेकिन गलती से सैली ने अपनी टूटी गुड़िया पर ध्यान नहीं दिया। जब सैली सोने वाली होती है तब एलेक्स उस दांत को देखता है जिसे उसने तकिए के नीचे छिपाया था। फिर एलेक्स दांत को लेता है और जाने से पहले सैली को किम से दोस्ती करने की कोशिश करने के लिए कहता है, हालांकि वह नहीं जानता कि सैली के पास एक और दांत है। अगले दिन एलेक्स को पता चलता है कि उसका अस्तूरा गायब है। फिर किम को अपने कपड़े फटे हुए मिलते हैं जबकि सैली को अपने तकिए के नीचे एक अजीब सा सिक्का मिलता है। कुछ देर बाद एलेक्स सैली को नीचे बुलाता है और उस पर किम के कपड़े काटने का आरोप लगाता है, इसलिए सैली रोते हुए कसम खाती है कि उसने कुछ नहीं किया। लेकिन एलेक्स उस पर विश्वास नहीं करता। एलेक्स यह भी देखता है कि सैली के हाथ में एक सिक्का है और एलेक्स पूछता है कि उसे यह कहां से मिला। लेकिन सैली अभी भी रोना जारी रखती है और अपने पिता से घर जाने देने के लिए कहती है। उसके बाद जो हुआ उसके लिए एलेक्स ने किम से माफी मांगी, हालांकि किम यह नहीं मानती है कि सैली ने उसके कपड़े खराब करे हैं। फिर एलेक्स ने अपनी नौकरानी मिसेस अंडरहिल को सैली की देखभाल करने के लिए कहा, यह कहते हुए कि वे मीटिंग के लिए जा रहे हैं और दोपहर में वापस आ जाएंगे। एलेक्स और किम के जाने के बाद सैली उन होल्स के जरिए उन जीवों से बात करती है और उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने किम के कपड़ों को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन उसके सवाल का जवाब देने के बजाय वे जीव सैली से उनके साथ खेलने को कहते हैं, इसलिए सैली बेसमेंट में जाती है और उन्हें किसमिस देती है और उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने कुछ बुरा किया है। जैसे ही सैली उन जीवों से बात करने की कोशिश करती है तभी हैरिस उसे ढूंढता है और पूछता है कि क्या वह किसी से बात कर रही है। लेकिन सैली झूठ बोलती है और कहती है कि वह बिल्कुल अकेली है, इसलिए हैरिस सैली को मिसेस अंडरहिल के लंच बनाने में मदद करने के लिए कहता है। फिर हैरिस गेट को बंद करना शुरू कर देता है तभी वे जीव हैरिस पर हमला कर देते हैं। अफसोस की बात यह है कि हैरिस को चाकू से कई घाव और कट लगे हैं। तभी बेसमेंट से हैरिस की चीख सुनते हुए मिसेस अंडरहिल आती है और जख्मी हैरिस उन्हें मदद बुलाने के लिए बोलता है। फिर घायल हैरिस मेन हॉल तक किसी तरह आता है और गिर जाता है। हैरिस को देखकर सैली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब एलेक्स किम के साथ वापस आता है तो पुलिस उससे पूछताछ करती है। इस बीच किम सैली को ढूंढती है और उसे एक पेड़ पर बैठी पाती है और वह सैली को कहती है कि हैरिस ठीक हो जाएगा। फिर किम सैली को बागीचे के बीच मछली वाला फव्वारा दिखाते हुए कहती है कि ब्लैकवुड को नेचर से बहुत प्यार था। उसी समय सैली भी किम को यह कहती है कि उसने कभी उसके कपड़े नहीं छुए, इसलिए किम ने सैली को गले लगाया और उसे बताया कि उसे अपने कपड़ों की कोई परवाह नहीं है। शाम को एलेक्स सैली के सिक्के की छानबीन करता है। कुछ देर बाद सैली अपनी माँ को बुलाने के लिए लाइब्रेरी में जाती है, उसे बताती है कि वह घर आना चाहती है। सैली अपनी माँ को बताती है कि उसे लगता है कि वह बीमार हो रही है, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि वह एलेक्स और किम के साथ खुश रहेगी और कॉल काट दिया। बाद में उस रात किम सैली को अपने बिस्तर में सोते हुए पाती है और उसे वापस अपने कमरे में ले जाती है। हालांकि सैली जाग जाती है क्योंकि किम जाने वाली होती है, वह उसे नहीं जाने के लिए कह रही है। यह महसूस करते हुए कि सैली डरी हुई है, किम सैली के सो जाने तक उसके साथ रहने का फैसला करती है। इस बात से बेखबर कि बिस्तर के नीचे वे अजीब जीव छिपे हुए हैं। किम के चले जाने के बाद वे जीव सैली के लैंप को तोड़ देते हैं, उसे परेशान करते हैं, डराते हैं। भले ही सैली डरी हुई होती है फिर भी सैली कमरे के चारों ओर देखने के लिए फ्लैश लाइट का इस्तेमाल करती है। फिर उन जीवों में से एक चादर के नीचे आ जाता है, इसलिए सैली उसे खोजने की कोशिश करती है। लेकिन जब सैली उस छोटे जीव को देखती है तो वह और भी डर जाती है और जल्द ही दूसरे जीव भी बाहर आ जाते हैं। सैली की चीख सुनकर एलेक्स और किम उसके कमरे की ओर भागे, तब तक वे जीव छुप जाते हैं। और जब किम लैंप को ठीक करती है तब सैली अपने पिता को तहखाने में रहने वाले छोटे छोटे जीवों के बारे में बताती है। हालांकि एलेक्स को लगता है कि सैली ने अभी अभी एक बुरा सपना देखा है, लेकिन सैली जोर देकर कहती है कि वह सच कह रही है। और जब सैली देखती है कि जीवों ने उसके टेडी बियर के साथ क्या किया है तो वह और भी परेशान हो जाती है। अगले दिन एक साइकेट्रिस्ट सैली के घर आता है और सैली से उन छोटे छोटे जीवों के बारे में बात करता है जिन्हें उसने देखा था। फिर सैली उन जीवों के बारे में बताती है और उनकी एक तस्वीर बनाती है, यह कहते हुए कि वे जीव उसे बताते हैं कि उसके माता पिता उससे प्यार नहीं करते। इसके बाद सैली फव्वारे के पास जाती है। इस बीच यहाँ साइकेट्रिस्ट एलेक्स को बताता है कि उसकी बेटी का मानना है कि वह नहीं चाहती कि वह यहाँ रहे, और वह यह भी बताता है कि सैली को चिमनी में दांतों की एक ट्री मिली थी। तभी एलेक्स बताता है कि सैली को एक दांत तो मिला था और वह चिमनी को बिना लॉक किए बंद कर देता है। लेकिन साइकेट्रिस्ट सैली को एक मजबूत दवा देने का फैसला करता है। हालांकि किम के चेहरे पर यह साफ है कि वह कंफर्म नहीं है कि वे सही काम कर रहे हैं या नहीं। बाद में एलेक्स और किम के बीच काम और घर में क्या हो रहा है इसको लेकर बहस हो जाती है। लेकिन एलेक्स मैनर को बेचने के तरीके खोजने पर ज्यादा ध्यान देता है और जब वे ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो वह नाराज हो जाता है। इस बीच किम सैली को लेकर परेशान होती है, लेकिन एलेक्स का मानना है कि सब कुछ सैली के दिमाग में है। फिर वह मीटिंग के लिए देर ना हो जाए इसलिए कार से बाहर निकलता है और किम से कहता है कि वह उसे घर पर मिलेगा। उसके बाद किम अस्पताल में हैरिस से मिलने जाती है। किम हैरिस से पूछती है कि सैली ने क्या देखा ताकि वह सैली की मदद कर सके। हैरिस किम को बताता है कि सैली को घर से दूर ले जाने की जरूरत है, यह कहते हुए कि उसके दादाजी ने ब्लैकवुड की वजह से तहखाने को बंद कर दिया था। वह किम को लाइब्रेरी में जाने और एक खास किताब को खोजने को कहता है। जब वह लाइब्रेरी पहुंचती है तो किम लाइब्रेरियन को बताती है कि उसे कौन सी किताब चाहिए। फिर लाइब्रेरियन किम को एक लाइब्रेरी के खास सेक्शन में ले जाता है। वहां वो लड़का किम को बताता है कि ब्लैकवुड के घर में एक अजीब चित्र है। इस
ही सैली बाद टब में एक रबड़ के बतख के साथ खेल रही होती है। हालांकि वे जीव बाथरूम के दरवाजे के ताले को तोड़ने से पहले लाइट बंद करके उसे परेशान करते हैं। डरी हुई सैली बाथरूम के चारों ओर देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन किम को ब्लैकवुड के कुछ चित्र दिखाता है जो एक प्रतिबंधित दान का हिस्सा है। इसके बाद वो लेखक आर्थर मार्चिन के बारे में बताते हैं जो पाताल लोक और परिलोक में विश्वास करते थे, और वह किम को उस आदमी की किताब से एक पन्ना देता है जिसमें कहा गया है कि वे जीव हर बार एक मानव जीवन लेते हैं। वे जीव छोटे बच्चों की हड्डियों और दांतों को भी खाते हैं, ये कहते हुए कि उन्होंने पॉप सिल्वेस्टर के साथ एक समझौता किया था। दांत के बदले वे जीव तकिए के नीचे चांदी के सिक्के छोड़ते हैं। इसके बाद लाइब्रेरियन किम को एक ब्लैकवुड की आखिरी तस्वीर को दिखाता है जो उसके लापता होने और उसके बच्चे की मृत्यु से कुछ समय पहले बनाया था। किम यह जानकर हैरान है कि ब्लैकवुड का एक बेटा भी था जो गायब हो गया, और लाइब्रेरियन के अनुसार ब्लैकवुड भी बिना किसी को बताए गायब हो गया। घर पर सैली बाथरूम से बाहर निकलने की कोशिश करती है और महसूस करती है कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। फिर जीव उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उसको बाथटब में गिरा देते हैं। जैसे ही वे जीव उसे मारने आ रहे होते हैं तभी मिसेस अंडरहिल और बाकी कर्मचारी उसकी चीख सुनते हैं और उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। हालांकि जब वे बाथरूम में घुसते हैं वे जीव पहले ही जा चुके होते हैं। जो कुछ हुआ उसके बारे में मिसेस अंडरहिल से जानने के बाद किम जल्दी से सैली के कमरे में जाती है, लेकिन सैली अपने कमरे में नहीं होती। इसलिए किम उसे तहखाने में खोजती है और ब्लैकवुड की बनाई हुई अजीब तस्वीर को भी पाती है। फिर किम सैली को खोजने के लिए एलेक्स के साथ ड्राइव करते हुए आस पड़ोस में ढूंढते हैं, और किम एलेक्स को बताती है कि वह हैरिस से मिलने गई थी। साथ ही किम ने ब्लैकवुड के बारे में जो कुछ भी सीखा वह एलेक्स को बताया, यह कहते हुए कि सैली के साथ जो कुछ भी हो रहा है वह बिल्कुल उस बूढ़े आदमी के साथ हुआ वैसा है। लेकिन एलेक्स किम की बातों पर विश्वास नहीं करता, और तभी वह सैली को सड़क के किनारे चलते हुए पाते हैं। लेकिन जो हुआ उसके बावजूद सैली अब भी उनके साथ घर आने के लिए तैयार है। बाद में उस शाम किम सैली से वादा करती है कि वह डिनर पार्टी के बाद उसे वहां से निकाल लेगी। फिर सैली के दराज में एलेक्स का अस्तूरा मिलने पर किम हैरान हो जाती है, लेकिन सैली जोर देकर कहती है कि उसने खुद को बचाने के लिए इसे उन जीवों से लिया है। उसी समय सैली ने बताया कि उन छोटे जीवों को चमकदार रोशनी पसंद नहीं है, जिससे किम को एक आईडिया आता है। पार्टी के दौरान एलेक्स मेहमानों को घर दिखाता है और सैली उनकी तस्वीरें ले रही होती है। इस बीच किम को सैली का चित्र मिलता है जो बिल्कुल ब्लैकवुड के चित्र जैसा था। इसके बाद किम सैली का सामान पैक करती है और एलेक्स के साथ बहस करती है। फिर जब वह सैली के कमरे में जाती है और एलेक्स को समझाने की कोशिश करती है कि उनकी स्थिति कितनी गंभीर है, नीचे सैली उन जीवों में से एक की तस्वीर लेने में कामयाब हो जाती है, लेकिन एलेक्स इसे देखने से मना कर देता है। निराश होकर सैली मेज पर बैठ जाती है। जब एलेक्स मेहमानों से बात करता है तभी एक जीव उसकी तस्वीर लेता है और उसे फाड़ देता है। इसलिए सैली उस जीव का पीछा करती है और लाइब्रेरी में पहुंच जाती है जहां वह उसकी दोबारा तस्वीर लेने की कोशिश करती है। जल्द ही बाकी जीव भी बाहर आते हैं, ये कहते हुए सैली का मजाक उड़ाते हैं कि कोई उस पर विश्वास नहीं करता। फिर वे सैली की तरफ बढ़ने लगते हैं जिससे सैली चीखने लगती है और सभी को डरा देती है। फिर जब सैली अपना बचाव करने की कोशिश करती है तब भी वे उनकी तस्वीरें लेना जारी रखती है, लेकिन वे जीव उसका कैमरा ले लेते हैं और छिपने के लिए भागते हैं। इससे पहले सैली फिसलने वाली किताबों की अलमारी को धक्का दे देती है और उन जीवों में से एक की बांह तोड़ देती है, और तभी एलेक्स लाइब्रेरी में घुस जाता है। जैसे ही एलेक्स अपनी बेटी को दिलासा देता है और उसके द्वारा खींची गई तस्वीरों को देखता है वह मेहमानों को घर भेज देता है। फिर सैली के सो जाने के बाद वह बेसमेंट में ब्लैकवुड की ड्राइंग की जांच करता है। फिर उसे समझ में आता है कि वे खतरे में हैं। तब वो तुरंत किम से कहता है कि वे जा रहे हैं और कार तैयार करता है। लेकिन जब गैराज का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो जाता है और जब उसे उसका रिमोट नहीं मिलता तो वह कुछ समझ नहीं पाता। तभी वे जीव एक रस्सी का इस्तेमाल करके एलेक्स को गिराकर बेहोश कर देते हैं, और घर की बिजली काटने के कुछ देर बाद किम सीढ़ियों से लड़खड़ा जाती है और एलेक्स की तलाश करते हुए नीचे गिर जाती है। होश खोने से पहले वे जीवों को भी देखती है। उसी समय सैली जाग जाती है और किम को ढूंढती है। तभी सैली किम को फर्श पर बेहोश पाती है, लेकिन वे जीव उसे घेर लेते हैं और वह कुछ नहीं कर पाती, और वे जीव सैली को तहखाने में खींचकर ले जाने लगते। फिर एलेक्स और किम होश में आने पर सैली की मदद करने के लिए दौड़ते हैं, और किम सैली को जीवों को भगाने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल करने के लिए कहती है। किम सैली की रस्सियों को काटने के लिए वह सब कुछ करती है जो वह कर सकती है, इसलिए जीव सैली के बजाय किम को ले जाने का फैसला करते हैं। गुस्से में सैली एक जीव जो कि खुद ब्लैकवुड रहता है उसे टॉर्च से मार देती है, लेकिन बदकिस्मती से एलेक्स किम को नहीं बचा पाता क्योंकि जीव उसे सुरंग में खींच लेते हैं। बाद में एलेक्स और किम घर लौटते हैं और सैली किम के लिए अपनी ड्राइंग छोड़ती है। हालांकि जब वे चले जाते हैं तब हम देखते हैं कि वे जीव एक बार वापस लड़ने के बारे में बात करते हैं, लेकिन किम अचानक जवाब देती है जो कि अब उन जीवों में से एक में बदल गई है, यह कहते हुए कि वे तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि वे भूल नहीं जाते। साथ ही वह कहती है कि उनके पास दुनिया का हर समय है।